हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर इंग्लिश विथ अर्चना। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय डेली अपलोडेड वीडियोज। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कशीट 48। द लर्नर राइट्स ए सिमिलर पैराग्राफ। पैरेलल राइटिंग। Writing 4 to 5 sentences on one's living place, village or town. आमे जेउ जगह रहुचे गाँ कि सहर से विषय चार कि पांचटी वाक्य जे लिखि सीखिबा। गोटे पाराग्राफ आमको देछि, आमे सेही भली आम निज गाँ विषय लिखिबा। ठीक अछि, तो अबे चलो आमे पढ़िबा पैसेज टी को कोन अछि। विलेज। द नेम ऑफ माय विलेज इज समीना। एठी जी लिखिछंती तांको गाँव विषय से लिखिछंती, तेणु तांको गाँवर नाम जहाँ समीना से सेटा लिखिछंती। आमे किंतु से लिखिबा नाही, आमे आम निज गाँटार नाम लिखिबा। इट इज इन सुंदरगढ़। यह केउठारे अवस्थित ना सुंदरगढ़ रे। इट इज 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सुंदरगढ़। ए सुंदरगढ़ ठारु 6 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। देयर आर 902 पीपल इन माय विलेज। मो गाँव में केतेज लोक अच्छे ना 902 जन। देयर इज ए प्राइमरी स्कूल इन माय विलेज। मो गाँव में गोटे प्राइमरी स्कूल अच्छी, प्राथमिक विद्यालय अच्छी। वी हाव ए पोस्ट ऑफिस हियर। आउ कौन अच्छी ना गोटे पोस्ट ऑफिस अच्छी, डाकघर अच्छी। I love my village very much। मु मो गाँ को बहुत भल पाए। तो ये बोले आमे भी आम गाँ विषय लिखा। चलो ये लिखा आमे। अच्छा, आम कौन लिखाई था? द नेम ऑफ माय विलेज इज समीना। नहीं तो ये आम निज गाँटा ना लिखा। ये द नेम ऑफ माय विलेज इज खंडसाही। मु गोटे ग्रामर नाम लिखली, तुम्हें से भली तुम गाँव रि लिख। द नेम ऑफ माय विलेज इज तुम गाँव ना जहाँ से लिख। मु गोटे उदाहरण दौचे खंडसाही। इट इज इन केन्द्रापड़ा। यह केउठारे अवस्थित ना केन्द्रापड़ा। तुम्हें से भली तुम जिलार नाम टे लिख। यह क्यों जिले अवस्थित? इट इज 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम केन्द्रापड़ा। यह केन्द्रापड़ा ठारु 7 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। तुम्हें से भली तुम गाँटी केन्द्रापड़ा, तुम गाँटी जो जिला तुमर से जिला ठारु केते किलोमीटर दूर रे अवस्थित सेटा लिख। एंड देयर आर 700 पीपल इन माय विलेज। मो गाँव में 700 लोक अच्छा, तो मुझे लिखिली देयर आर 700 पीपल इन माय विलेज। तुम्हें से ही भली तुम गाँव में जिते लोक संख्या अच्छा से लिख। देन देयर इज ए यूपी स्कूल बा अपर प्राइमरी स्कूल इन माय विलेज। मो गाँव में गोटे यूपी स्कूल अच्छी, तो मुझे लिखिली तुम गाँव में जहाँ अच्छी तुम्हें से लिख। वी हाव ए टेम्पल हियर। आमर आउ कौन अच्छी ना गोटे टेम्पल बा मंदिर अच्छे, आम गाँव में गोटे मंदिर अच्छे। मुझे लिखिली वी हाव ए टेम्पल हियर। एंड आई लव माय विलेज वेरी मच। मु मो गाँ को बहुत भल पाए। तुम्हें मध्य से लिख आई लव माय विलेज वेरी मच। बढ़िया लगे ना, तुम्हें आज इंग्रजी तुम ग्राम विषय लिखिल, तुम विलेज विषय लिखिपार, तो तुमको बहुत खुशी लगुव। यही भली तुम्हें चाहिए निजे चेष्टा कले इंग्रजी रे बहुत जिनस अच्छी, बहुत जिनस तुम्हें जानबो आउ लिखि पार। तो आज वर्कशीट ये सरला, पुणी देखा परवर्त वर्कशीट रे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।